everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your month of August. ये जो अगस्त का मंथ है 2022, ये आपका कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त, व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज हैपनिंग, किन चीज़ों पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान है, क्या गाइडेंस है स्पिरिट से, यूनिवर्स से आपके लिए. एंड दिस इज ए पिक कार्ड रीडिंग, सो पिक योर पाइल, चूज योर पाइल एंड विल सी कि आपके लिए क्या चीज़ें आ रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्या चीज़ें हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो लेट्स जस्ट हॉप राइट इन टू द रीडिंग. Hello everyone, welcome to this setup. So I'm doing a voice over here because the mic, oh my goodness, uska khud ka hi dimag hai to usme kuch, you know, issue aa raha tha, so I had to do this voice over. So I'm going to show you some pictures here. So these are the screenshots. So यहाँ पर जो है फर्स्ट स्क्रीनशॉट, आई शुड से एक ही स्क्रीनशॉट है जिसमें फर्स्ट जो पिक्चर है, इट इज़ ऑफ माउंटेन्स. इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस माउंटेन, देन चूज पाइल नंबर वन. देन द सेकेंड पिक्चर, सेकेंड पाइल इज ऑफ बीच. तो अगर आप इस बीच से अट्रैक्टेड हो, यू शुड चूज पाइल नंबर टू. इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस डेजर्ट काइंड ऑफ एरिया, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर थ्री. सो जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्टिव लग रही है, पिक दैट पिक्चर, पिक दैट पाइल. और अगर आप यू नो, आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं करी, आप किसी से भी अट्रैक्टेड नहीं हो, किसी भी पिक्चर से अट्रैक्टेड नहीं हो, देन यू कैन इवन चूज योर पाइल विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स, लाइक 1, 2, 3. इनमें से कोई भी नंबर जो आपको पसंद है, आप वो वाला नंबर अपने लिए पिक कर सकते हो और उस बेसिस पर भी अपनी पाइल चूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो. ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं और 30 seconds का जो हूँ ये वाला स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ. आप उन 30 seconds में जो हो डिसाइड कर लो कौन सी आपको पिक्चर अच्छी लग रही है, कौन सा नंबर आपको अच्छा लग रहा है. एंड यस, लेट जस्ट हॉप राइट इन टू द रीडिंग. एंड यस, अभी स्क्रीनशॉट आ रहा है. ऑल राइट, हेलो पाइल नंबर वन. सो दिस इज योर रीडिंग, यू चोज द माउंटेन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग हेयर. पहले तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स पुल आउट होंगे और उसके बाद आपके लिए रीडिंग शुरू होगी. तो इफ़ यू वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यू आर मोर देन वेलकम फॉर दैट. ओके, यहाँ पर 3 cards निकल आए, आई जस्ट वॉन्टेड टू पुल 2, बट इट्स ऑल राइट. पाइल नंबर वन जो है उनका मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहता है, व्हाट्स कमिंग फॉर देम. Thank you.
हेलो पाइल नंबर वन, सो दिस इज़ योर रीडिंग. मैं यहाँ पर आपके लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था माइक का कोई. सो थोड़ा थोड़ा रीडिंग के बीच में है इशू, बट टॉलरेबल है वो. ये वाला बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था, एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज इन टॉलरेबल. सो आई थॉट टू जस्ट यू नो ये मैं एक वॉइस ओवर करके दूँ. सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट कि मुझे क्या मैसेज मिल रहा है, क्या इंट्यूशन हो रही है आपकी पाइल को सिलेक्ट कर, मतलब आपकी पाइल की रीडिंग से पहले मुझे क्या इंट्यूशन हो रही है. सो आई वॉज गोना टेल यू ऑल दैट. सो वॉट आई फेल्ट दैट टाइम जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी कि इस महीने की अगस्त के मंथ में जो है आप कोई चीज़ें लेट गो करोगे, कुछ चीज़ों का आप यू नो छोड़ दोगे, लेट गो कर दोगे, एंड यू विल हैव अ स्पिरिचुअल माइंड सेट. यहाँ पर आप कोई पिलग्रमेज ट्रैवल भी कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, दैट कैन हैपन. यू आर वेरी मच स्पिरिचुअली अलाइंड अगेन. गुड हैबिट्स को जो है आप अपने अंदर डिवेल्प करोगे, बैड हैबिट्स को लेट गो करोगे, एंड इवन जैसे यू कैन मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो मैनिफेस्टेशन मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं कि मुझे जॉब मिले, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, मैरिज हो, ये सब मटीरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस भी आप करोगे, बट समहाउ दोज मटीरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन कैन मेक यू गो टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल पाथ एज वेल. कहीं ना कहीं वो मटीरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाए, ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको कह रही थी. एंड या यू कैन इवन डू समथिंग स्पिरिचुअल दैट कैन इवन हैपन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. So let's just see what I am saying while the reading is going on. और थोड़ी थोड़ी बीच में disturbance होंगी, so bear with me. But ये आप ही के पाइल में थोड़ा सा issue था, otherwise नहीं है reading में, video reading में. उसमें जो manifestation है वो आपको अपने higher self तक या अपने सही path पर, एक right path पर, जो कि आपको गॉड रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है, उस पाथ तक लेकर जाएगा. इवन दो वो कोई मैनिफेस्टेशन आपके एग्जाम की हो सकते हैं, फिर वो आपके जॉब की हो सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक है, बट मे बी थ्रू दैट जॉब यू गेट सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन, थ्रू दैट क्लियरिंग ऑफ एग्जाम यू गेट सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन, जो आपको एक स्पिरिचुअल पाथ तक लेकर जाता है. एंड ऑफकोर्स वी आर लिविंग अ लाइफ ऑन दिस भूमंडला, तो हमें जो है वर्क करना पड़ेगा टू अर्न अ सस्टेनेंस, क्योंकि विदाउट मनी यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, बट एट द सेम टाइम आप अपने कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हो इस मंथ ऑफ ऑगस्ट में विद योर ऑफकोर्स मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट देयर इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर यू पाइल नंबर वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहले हम ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फो आ रही है. आई सी अपोलो, ओके, डिवाइन मैसेजेस. माई गुडनेस, सच में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ हो रही है. एंड या यू आर बींग मोर कनेक्टेड टू गॉड समहाउ. देन आई सी काली माँ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. माई गुडनेस, सी टेरो कभी भी झूठ नहीं बोलता, स्पेसिफिकली ओरेकल कभी भी झूठ नहीं बोलता है. इट इज ट्रू, दिस थिंग इज ट्रू. And my intuition was saying this, the spirits are there. There is some higher power जो कि आपको इस वीडियो तक तो खींच कर लेकर आई है, but there is some higher power who wants to connect with you, या फिर आपकी soul जो है उस higher power से connect होना ही होना चाहती थी, irrespective of क्या materialistic goals है, but उस higher power से वो connect होना ही चाहती थी. So then we have sexual wisdom as well. My goodness. So yeah, there is this divine message coming towards you in the month of August. Maybe some sort of realization happens. Some sort of realization happens. And of course, spiritual transformation. See, Kali is a very chaotic deity. It's the goddess of destruction, but she wants to construct something new for you. So there is some sort of destruction. Maybe एक old belief system का जो है ख़त्म होना, एक new belief system का आना, किसी चीज़ का ख़त्म होना और कोई नई चीज़ उसके जो है उसके बाद build होना. That is very prominent for you in the month of August. और ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर वन कि कोई आपको ऐसा लगे कि ये दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो चुका है. I wanted to go in or wanted to go towards this door, but ये door close हो चुका है. But you will also notice कि एक नया door खुलेगा ही खुलेगा. And I really feel कि कोई door बंद होना और कोई door खुलना, I feel कि जैसे यहाँ पर we have the bow here, bow and arrow,
और वो भी इस साइड को डायरेक्शन दे रहा है और यहाँ पर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन काली है. सो आई रियली फील के जहाँ पर आप सोच रहे हो कि यू नो मुझे यहाँ सक्सेस मिलेगा या ये मेरे लिए रास्ता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता आपके लिए होगा. सो वट एवर यू फील लाइक कि होगा या फिर मैं करूँगा करूँगी, मे बी उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो एंड दैट ऑपोजिट थिंग इज डेस्टाइंड फॉर यू टू हैपन. सो अपनी डेस्टिनी को नहीं कोसना या भगवान से जो है विश्वास नहीं उठा रहे देना है कि भाई ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया. एट टाइम्स ये आई सी पीपल डूइंग दिस कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों करा भगवान ने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम सीधा जो है डिवाइन को, डिवाइन से अपना विश्वास उठा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं या फिर उनसे नाराज हो जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज द डिवाइन वॉन्ट्स अस टू गो ऑन अ पाथ जो आप ही के लिए बना हो. एंड या लाइक हेयर एज वेल समथिंग कम्प्लीटली यू नो ऑपोजिट हैपन्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, जैसा आपने सोचा भी नहीं था उसका ऑपोजिट होना. देर इज दिस स्ट्रांग एनर्जी अबाउट के जैसा सोचा था बिल्कुल उसका ऑपोजिट होना. दैट वी हैव द सेक्शुअल विजडम एज वेल. दिस काइंड ऑफ शोज मी फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स मी दिस मैसेज कि आपको ज्वेलरी खरीद सकते हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, मे बी गोल्ड ज्वेलरी या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बट सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी यू आर गोना बाय. And it also shows that you are gonna be very much aligned with yourself, very much aligned with yourself. मतलब आप अपनी body, अपने mind, soul पर पूरा control करोगे. That is there. कि तीनों चीज़ें control में है, body, mind and soul जो है. वैसे soul के पास मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन चीज़ें तो होती है और आप एक तरह से control कर रहे हो अपने मन को भी. कई बार हम कहते हैं ना कि मेरा आज ये खाने का मन है और अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो ऐसे होता है कि अरे मुझे वो ही खाना था, ऐसा क्यों हो गया, मुझे कुछ और चाहिए था, मुझे वो नहीं मिला, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपन्स. बट आप अपने मन को समझा लेते हो, आप अपनी टेम्पटेशंस पर जो है कंट्रोल पा लेते हो. दैट इज़ समथिंग विच आई सी. टेम्प्ट नहीं होते हो, लालच में नहीं आते हो. दैट्स देयर. बट आई डू फील दैट यू कैन एक्चुअली, सम ऑफ यू गाइज कैन एक्चुअली बाय सम सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी. That can happen. So, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. Next up, we have harvest, abundance, gratitude, security, patience. Great. Then we have protection. तो यहाँ पर strength आ रहा है, aura, boundaries. उसके बाद we have compassion, nurture, giving, love. Life. I really feel like new chapter शुरू होना life में, that is happening for you. And I also feel that अब अपने around जो हो अच्छी boundaries create कर रहे हो. अच्छी boundaries in the sense के अच्छी boundary यानी कि you kind of don't let people hurt you. You will not let other people hurt you because आप उनको वो मौका ही नहीं दोगे. So you're going to be very protective about you. And I also feel कि आप अपने जो आपको realizations इस month में होगी, शायद आप वो भी किसी को ना बताओ, वो भी अपने तक ही रखो या कहीं लिख लो. That can happen. And this is also the time for harvest. Meaning के कुछ ना कुछ result आ सकते हैं in the month of August आपके लिए. And वो जो result है आपके लिए काफ़ी transformation लेकर आए. That will happen, but there is some sort of, you know, result coming. आपके past efforts का result आपको in the month of August मिलेगा. That is something which I see. जिसके लिए आप काफ़ी patiently wait कर रहे थे. So, yeah. And of course, we have compassion, nurture, giving, love, life. So, I also feel के यहाँ पर जो है आप काफ़ी giving हो, आप काफ़ी nurturing हो. There is this giving energy about you. तो जितना आप receive नहीं कर रहे in the month of August, उससे ज़्यादा आप दे रहे हो in the month of August. In the sense के आप somehow you kind of give more love, patience, happiness, freedom to other people more than you have received. तो आप एक giver यहाँ पर नज़र आ रहे हो in the month of August.
नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टैरो हियर कि यहाँ पर आपके करियर के लिए क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या हो रहा है और आपकी हेल्थ कैसी है. सो आई सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रेट. देन आई सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल राइट. उसके बाद वी हैव सेवन ऑफ पेनिकल्स. उसके बाद वी हैव द जजमेंट, ऑल राइट. एंड या फिर उसके बाद वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, गॉट द मैसेजेस. तो यहाँ पर करियर में जो है एक शिफ्ट नज़र आ रहा है. व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, जैसे मैंने शायद ये पहले भी कहा है अभी इस रीडिंग में, या साइकिल की मैंने बात करी, या चैप्टर की बात करी थी, यस, एक नया लाइफ में चैप्टर शुरू हो रहा है एंड दैट इज सीन अगेन. व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आ गया तो यस, देर इज़ समथिंग न्यू हैपनिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ में एंड इट कैन इवन हैपन जिन चीज़ों में डीले था. अब वो चीज़ें जो स्पेसिफिकली करियर रिलेटेड बात कर रही हूँ, जिन चीज़ों में डीले था वो चीज़ें मूवमेंट में आ गई. अगर आप ये सोच रहे थे कि इसमें भी डीले है, उस चीज़ में भी डीले आ रहा है मेरे लिए, तो कब ये चीज़ें जो है आगे चलेगी, मूव फॉरवर्ड करेगी, कब मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अगर आप इन सोच विचार में खोए हुए थे तो यहाँ पर जो है आपके लिए मैसेज आ चुका है कि अब जो वो डीले होना था वो हो चुका है, अब फॉरवर्ड मूवमेंट होगी ही होगी. नया चैप्टर लाइफ में शुरू हो रहा है. अगर आप एजुकेशन में भी हो तो कुछ नया शुरू हो रहा है एजुकेशन में भी. जॉब में हो तो कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग. एंड कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है बिकॉज ऑफ करियर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग व्हीकल भी ले सकते हो नया इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, या फिर प्लान करो व्हीकल लेने की इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज गिविंग मी द मैसेज दैट यू आर अ वेरी गुड लीडर. आपके पास डिफिकल्टीज आ रही है करियर में, बट आप उनसे जो हो जीत के ही निकल रहे हो, या फिर समहाउ मुश्किल सिचुएशन में भी आप ह्यूमर ढूंढ रहे हो, मुश्किल सिचुएशन में भी आप खुश रह पा रहे हो, एक तरह से न्यूट्रल रह पा रहे हो. एंड अगेन आपका जो आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है डिवाइन पावर में, और कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस भी जो है एंजल से या डिवाइन से ज़रूर ज़रूर मिलेंगे, जो आपको गाइड करेंगे समय समय पर. जब आपको लगता है कि अब तो मेरे बस में ये चीज़ है ही नहीं, अब तो वो जाने, भगवान जाने और उसका काम जाने, जब ये चीज़ हो जाती है देन यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. वो मिरेकल्स करियर में यहाँ पर हो सकते हैं. दैट इज़ समथिंग विच आई सी. बट यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड यू आर बीइंग वेरी लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ योर करियर, और काफ़ी फोकस्ड यहाँ पर आप अपने करियर में नज़र आ रहे हो. डिटेल ओरिएंटेड भी अपने करियर में आप काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो, और आपका फोकस जो है बिग चीज़ पर है, मतलब बिग पिक्चर पर है. छोटी छोटी बातों पर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो एंड यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट बिग पिक्चर. और या यू आर पुटिंग एफर्ट्स कि मैं उस अपने गोल तक पहुंचूं. दैट इज समथिंग विच आई सी. ऑल राइट. एंड देन यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स जजमेंट का कार्ड है. शो करता है दैट वो जो एक वेटिंग टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो रहा है. इफ़ यू वर लाइक कि यू नो कब मुझे अपने लाइफ पार्टनर मिलेंगे, या यू नो व्हेन विल आई गेट इन अ रिलेशनशिप, अगर ये सवाल थे देन आई विल से कि अब वो वेटिंग टाइम पीरियड ख़त्म हो गया. यू कैन एक्चुअली मीट योर पार्टनर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी. एंड आई ऑल्सो फील इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो कुछ जो है अगेन रियलाइजेशंस हो, कुछ जो है रियलिटी ट्रूथ बाहर आए. And you will appreciate कि उस person ने आपको वो चीज़ें बताई. You will really appreciate that about your partner. And आप अपने partner को judge नहीं करोगे उसके basis पर, because आपके partner जो चीज़ आपको नहीं बताना चाह रहे थे वो बता देंगे. वो नहीं इसलिए बताना चाहते थे क्योंकि he or she were feeling कि आप उन्हें judge करोगे, but इन द एंड यू नो दे रियलाइज कि आप उन्हें जज बुरी एक बैड वे में, बुरे वे में नहीं करोगे. यू विल एक्सेप्ट देम. तो वो यहाँ पर नज़र आ रही है. कोई ना कोई सीक्रेट जो है आपको पता लगे अपने पार्टनर के बारे में, दैट कैन हैपन. बट अगेन यू विल एक्सेप्ट दैट. और
I also feel that if you are single and you are not ready to mingle, you are just, you know, you want to be single for a while, then आपके लिए यही message आ रहा है यहाँ पर कि I feel कि even though you want to be single, not ready to mingle, तब भी you want to have a relationship. Still, आप चाहते हो कि मैं relationship में ना आऊँ, आप चाहते हो कि आप इन चीज़ों से दूर रहो, but you are still attracted towards it. You're still attracted towards it. और कहीं ना कहीं अगर you know if you had a breakup before, तो इस मंथ में जो है अगस्त के मंथ में you heal yourself. You again heal yourself. You learn something from that person who left you in the past. And yes, you try to move on and you are gonna move on because yeah, healing bhi aa rahi hai if you had a bad breakup. So, वो चीज़ भी यहाँ पर है. एंड कहीं ना कहीं फैमिली से कुछ एक्सेप्टेंस मिले, फैमिली आपको सपोर्ट करे, एक्सेप्ट करे कि नहीं चीज़ों में दैट कैन इवन हैपन. नेक्स्ट अप वी हैव आर यू नो एस ऑफ वॉन्ट्स एंड अ वॉन्ट जो कि आपकी हेल्थ को शो कर रहा है. आई रियली फील कि स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यूज होना, स्ट्रेस जो है वो आप इतना लो कि आपको हेल्थ इश्यू ही हो जाए, दैट कैन एक्चुअली हैपन. So don't let your health get affected by your work, affected by your thoughts so much. और चीज़ों को अपनी ग्रेव तक मत लेकर जाओ कि उस पर्सन ने मुझे ऐसा कह दिया और मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे जब बुरा लगा तो मेरी हेल्थ भी ख़राब होने लगी. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. इस सेंसिटिव होने के बजाय बी सेंसिबल कि अच्छा उस पर्सन ने ये कहा और थोड़ा मुझे बुरा भी लगा, अच्छा तो नहीं लगा, बट ओके फाइन उस पर्सन ने ऐसा कहा, इट्स ओके, आई काइंड ऑफ विल लिसन टू इट एंड एक कान से सुनूंगा दूसरे से निकालूंगा. सो इट शुड बी लाइक दिस और भगवान उसको सद्बुद्धि दे, दैट्स इट. सो अपनी ग्रेव तक जो है लोगों की बातें काम को नहीं लेकर जाना है. एंड या बिकॉज टेरो वॉन्ट्स डज शो स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यूज होना, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड है, तो क्योंकि आई फील दैट ये चीज़ अभी भी शायद हो रही है आपको या फिर पहले भी एक बार हो चुकी है, तो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आप इस चीज़ से निकल जाओगे बाहर, समहाउ अपने माइंड को अच्छे काम में लगा दोगे. जब आपको लगता है कि मेरी हेल्थ अब डिटोरिएट होने लगे, तो आप सडनली काफ़ी एक्टिव हो जाओगे, मे बी आप जो हो एक्सरसाइज करने चले जाओगे, बिकॉज व्हेन वी एक्सरसाइज नेचुरली हमारे बॉडी में हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं. तो जब आप एक्सरसाइज कर, जैसे ही आपको स्ट्रेस आया तो आपने एक्सरसाइज करनी शुरू करी और उसके बाद वो स्ट्रेस चला गया, सो दैट थिंग कैन इवन हैपन. या फिर आप कोई क्रिएटिव चीज़ करने लग जाओ, मे बी यू स्टार्ट टू सिंग, यू स्टार्ट टू डांस, यू स्टार्ट टू डू whatever makes you feel happy, और उस वजह से आप अपने health issues से जो हो निकल आओगे बाहर, that is also seen. क्योंकि जो 10 of wands है, 10 number in tarot always shows change, always shows some sort of transformation, ending and a new beginning. तो कहीं ना कहीं अगर आप health issues से भी deal कर रहे थे, तो health issues भी जो है end होने वाला है आपके लिए in the month of August. और end कैसे हो रहा है, आप ही के efforts की वजह से ये चीज़ end हो रही है. जैसे होता है ना, समय समय की बात है कि कई बार समय ऐसा चल रहा होता है कि कुछ सही नहीं होता है, हेल्थ भी ख़राब होने लग जाती है. तो अगर वैसे समय भी चल रहा था, तो वो समय भी एंड हो गया. अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, न्यू बिगिनिंग, ओल्ड साइकिल ख़त्म होना, न्यू साइकिल शुरू होना. तो उस वजह से भी जो है यहाँ हेल्थ इंप्रूव होगी, बट साथ में आपके एफर्ट्स हैं इस हेल्थ की इंप्रूवमेंट में. आप एफर्ट करने लगोगे अपनी हेल्थ के लिए, मे बी यू अगेन यू नो गो टू जिम, एक्सरसाइज, और डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, मेक्स यू फील हैप्पी. That can be your case. So, yeah, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. Something more, any last messages? So, we have Mystic Healer. Healing energy flows through you. मैंने यहाँ पर healing का भी नाम लिया. Again, you are healing from your health. वो तो चीज़ है ही है. But some sort of healing is also coming. कि yes, मैंने यहाँ पर healing का नाम लिया था पर्सनल लाइफ के मामले में, कि अगर इफ़ यू वर इन अ रिलेशनशिप बिफोर बट वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, तो इस महीने अगस्त के महीने में आप हील हो पा रहे हो. दैट कैन बी सीन अगेन डिवाइन का आपके ऊपर जो है बहुत एक तरह से छत्र छाया, एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड है. सो येस, यू आर वेरी मच प्रोटेक्टिव, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स, दैट कैन बी सीन. एंड अगेन हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू. तो कहीं ना कहीं आप खुद तो हील हो ही रहे हो, और जो आपके आपके अराउंड जो आपका ऑरा है,
जो एमिट कर रहे हो आप ऑरा, जो एनर्जीज आप एमिट कर रहे हो वो भी हीलिंग की है. सो जो भी पर्सन आपके सामने आता है वो भी पर्सन कहीं ना कहीं आपसे हीलिंग एनर्जी लेकर जाता है. वो भी पर्सन आपके साथ खुश महसूस करता है, रिफ्रेश्ड महसूस करता है. एंड दिस ऑगस्ट मंथ इज एक्चुअली गोना बी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर यू पाइल नंबर वन, क्योंकि अगेन कुछ ना कुछ यू नो रिफ्रेश होते नज़र आ रहे हो, कुछ ना कुछ हीलिंग यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है. लेटिंग गो ऑफ पास्ट, अगेन काली द गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन इज हेयर. सो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ पास्ट में जो चीज़ें चल रही थी जो प्रेजेंट को अफेक्ट करी थी वो ख़त्म हो रही है और नई चीज़ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. दैट कैन बी सीन एंड वी सी फार वे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन. मैंने ये चीज़ यहाँ पर भी कही थी व्हील ऑफ फॉर्चून में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में. करियर रिलेटेड कुछ ना कुछ आप में से कुछ ना कुछ आप में से लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं. सो देयर इज दिस ट्रैवल कार्ड अगेन, फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन. सो इट कैन बी लिटरली कि आप ट्रैवल करो या फिर कोई नई चीज़ शुरू हो आपके करियर में, दैट कैन हैपन. और कुछ न्यू होराइजन्स जो है आपके लिए खुलें तो दैट कैन बी सीन. नए दरवाजे खुले, नए डोर खुले. तो ये तो डोर्स वाली बात तो हमने पहले ही कर ली थी कि न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू. ओल्ड वन मे गेट क्लोज्ड ऑन यू बट अ न्यू डोर विल ओपन फॉर यू. तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है. ऑलराइट पाइल नंबर वन. सो या दीज वर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ऑलराइट, सो या दैट वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग. And do let me know what do you think about your reading, how it resonates with your future plans. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal readings, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you want to buy these bracelets, these are handmade by me, they are cleansed and energized by me, you can get these on my website too. So right now I'm wearing the Chrysocolla hematite bracelet, the black obsidian hematite bracelet and the pink rhodonite bracelet. So you can get all these and more variety on my website. Again, the link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Pile number one. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number two. So this is your reading. You chose the beach picture. So let's get started here. So pehle to main aapke liye yahan par deck shuffle karungi. Fir cards pull out karungi. So if you want to be part of this process, you're more than welcome to do that. Otherwise, नीचे description में timestamp दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने timestamp पर click कर सकते हो और अपनी reading देख सकते हो, सुन सकते हो directly. But otherwise, let's keep on shuffling cards and let's keep on pulling some cards out for you. Hello, pile number two. So this is your reading. You chose the beach view here. So yes, let's get started with your reading. मैंने यहाँ already cards आपके लिए निकाल लिए हैं. So पहली बात तो I really feel in the month of August,
it's gonna be like you're gonna take life one step at a time. और इतना जो है हार्ड कोर वे से आप अपनी लाइफ को नहीं लेने वाले हो. यू आर गोना टेक लाइफ वन डे एट अ टाइम. और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा कम है अपने आप से. और अगर दूसरा भी कोई पर्सन आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है तो यू टेल देम दैट हे लेट्स नॉट डू दैट. बिकॉज इन द पास्ट वो आपने खुद ने या दूसरे पर्सन ने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी है. और यू ऑल्सो रियलाइज कि जब पर्सन आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है कोई चीज़ तो आपको प्रेशर महसूस होता है. तो इस मंथ ऑफ ऑगस्ट में समहाउ यू आर नॉट गोना डू द सेम थिंग. कहीं ना कहीं अपने आप से कम एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे और फिर अपना काम करोगे, फिर अपने काम पर ध्यान दोगे. और अगेन लाइफ को वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम लोगे. दैट्स देयर. और काफ़ी ईजी ब्रीजी आप जाने की कोशिश करोगे. हार्ड कोर अगेन नहीं होगे. एंड आई ऑल्सो फील इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो. आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं. दैट कैन हैपन. आई ऑल्सो फील कि वो ओल्ड एल्बम्स देखना, अपने बचपन की एल्बम्स देखना, दैट कैन इवन हैपन. आई सडनली यू नो गॉट दिस थिंग कि आप एल्बम्स देख रहे हो. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन इवन हैपन. अपने पास्ट में देखना. और ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को फिर से दोहराना नहीं चाहते. इस वजह से आप अपने पास्ट को याद कर रहे हो. तंग नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, पर आप देख रहे हो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी थी. और वही सेम मिस्टेक्स आप फिर से ना करो तो आप पास्ट वाली चीज़ पर फोकस भी करोगे. एंड इट कैन यू नो सिंपली बी अ टास्क लाइक अगर आप एजुकेशन में हो तो लास्ट ईयर के एग्जाम्स पेपर्स देखना, लास्ट ईयर के पेपर देखना कि कैसे क्वेश्चंस आए थे. अगेन लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट विद द ओरेकल्स हियर कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2022. सो या वी हैव मर्लिन कॉस्मिक नॉलेज. अगेन कॉस्मिक नॉलेज. और यहाँ पर हम साइंस भी देख रहे हैं. वी हैव एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, ये सारे ऐसे साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं. सो अगेन इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, जिसमें आप काफ़ी बिजी हो. अगेन ये एक पुरानी इंफॉर्मेशन है, पुरानी नॉलेज है. दिस इज़ एन ओल्ड यू नो ओल्ड और यू कैन से काफ़ी पुरानी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है. अगेन सेइंग द सेम थिंग. जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट्स वैदिक राइट, पुरानी है. एंड या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. मे बी हैविंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री और मे बी जस्ट एस्ट्रोलॉजी इट्स सेल्फ. देन आई सी द क्वानिंग काइंडनेस एंड नर्चरिंग. एंड उसके बाद है वी हैव द एवलॉन प्रीस्टेस इंटुइटिव अवेकनिंग. All right, okay. I really feel कि आप intuitively काफ़ी ज़्यादा aligned हो और चीज़ें आपको समझ आ रही है और confusion शायद इतना ज़्यादा नहीं है चीज़ों को लेकर, clarity है चीज़ों को लेकर. and you are full of knowledge, full of information. एक तरह से you are लाइक विकिपीडिया इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. या फिर यू हैव लाइक कॉम्प्रीहेंड आपने कर लिया, जो आपने पास में नॉलेज दिया है, पास में इंफॉर्मेशन दिया है, आपने उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर लिया और आपको अब उस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ है. सो लाइक किसी चीज़ में लाइक देर इज़ सो मच इंफॉर्मेशन विद यू, सो मच नॉलेज विद यू. चीज़ें क्लियर है. इफ़ यू आर इन एजुकेशन तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर यू हैव क्लैरिटी इन माइंड अबाउट योर सब्जेक्ट. प्लस यू आर इंटुइटिवली यू आर वेरी इंटुइटिवली अलाइंड एंड यू आर ऑल्सो वेरी नर्चरिंग एंड काइंड टू अदर पीपल. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी. देन वी हैव अ डुअलिटी. डुअलिटी इज सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्जर्व, रिलीज. फिर उसके बाद मेडिटेशन, रूटीन, ब्रीद, क्वाइट, पीस. सो यस, यू आर ईजी ब्रीजी. योर एनर्जीज आर कमिंग रियली वेरी वेरी लाइट. काफ़ी लाइट हो, काफ़ी ईजी गोइंग हो, सरल स्वभाव है, सीधा सरल स्वभाव. दैट
एंड यू आर वेरी सेल्फ अवेयर कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए एंड यू नो कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है कौन सी चीज़ आपको उदास करती है. यू आर वेरी सेल्फ अवेयर है एंड कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व काफ़ी ज़्यादा करते हो चीज़ों को इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट और आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और जितना हम कम बोलते हैं उतना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना फिर जो है हम देंगे दूसरे को. वेयर एज आप इस मंथ ऑफ अगस्त में ले रहे हो कोई चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट को और एब्जॉर्ब भी कर रहे हो ऑब्जर्व भी और एब्जॉर्ब भी कर रहे हो चीज़ों को इन्वायरमेंट को और नेगेटिव चीज़ें रिलीज भी कर रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई सी नेगेटिविटी यू आर काइंड ऑफ रिलीजिंग दैट एंड यू आर ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ. यहाँ पर एक रूटीन भी आपके लिए नज़र आ रहा है जो चीज़ मतलब कोई रूटीन आप फॉलो कर रहे हो दैट्स देयर. प्लस यहाँ पर पीस और क्वाइट जैसे पीस क्वाइट और इंटुइटिव अवेकनिंग कॉस्मिक नॉलेज ये काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें हैं राइट. सो आई फील कि काफ़ी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. काफ़ी चीज़ें आप सुनोगे ऑब्जर्व करोगे सीखोगे क्लैरिटी लेकर आओगे और अगेन यू आर वेरी मच स्पिरिचुअली इंटुइटिवली अलाइंड हियर दैट कैन बी सीन ऑलराइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर मेन टैरो से आपका करियर आपकी पर्सनल लाइफ और आपके हेल्थ वो कैसी रहती है. सो आई सी द डेविल हेयर ऑलराइट ओके. देन वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स ऑलराइट. फिर उसके बाद वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. देन वी हैव द एम्परर ओके. एंड उसके बाद किंग ऑफ कप्स ऑलराइट. एंड देन वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स ओके. सो आई रियली फील के जब बात आती है करियर की तो यहाँ पर जो डेविल कार्ड इट शोज कि कहीं ना कहीं करियर को लेकर मेरे साथ तो गलती होगा या मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता है मेरे साथ तो बुरा ही होगा. हमेशा बुरा ही होता है जैसा मैंने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता है. एंड या इस तरह के थॉट्स रखना समहाउ देर इज़ दिस नेगेटिविटी. एंड आई ऑल्सो फील कि उस नेगेटिविटी को आपने कसके भी पकड़ा हुआ है उस पेसिमिस्टिक नेचर को आपने अपने कसके पकड़ा हुआ है. बट एट द सेम टाइम जैसे यहाँ इंटुइटिव अवेकनिंग का कार्ड आया है यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड आया है तो आई वेरी फील कि आप इन चीज़ों को लेट गो करना शुरू करोगे. बट समहाउ आई डू फील कि अभी भी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक नेचर है अंदर ही अंदर. इवन इफ बाहर से आप हो कि यू नो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई करियर बट अंदर ही अंदर एक फियर एक डर एक नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है. तो आप उसको लेट गो करने की करियर में ज़रूर कोशिश करोगे दैट कैन बी सीन. एंड आई ऑल्सो फील कि आप किसी एक चीज़ पर जो हो फोकस कर सकते हो अपने करियर में एक चीज़ पर फोकस अगेन वन स्टेप एट अ टाइम वो चीज़ आप यहाँ पर करियर में कर रहे हो. बट एट द सेम टाइम यू मे इवन फील कि यू नो मैं बंधा हुआ हूँ या मैं बंधी हुई हूँ अपने करियर में मैं बंधी हुई हूँ अपने कामों से रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड महसूस करते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं वैसा नहीं कर सकती मैं अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो नहीं कर सकती. अगर क्रिएटिव फ्लो आए तो काम बहुत अच्छा हो. यू मे फील लाइक दिस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट बट यू नो जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती इट्स बेटर टू जस्ट सिट डाउन एंड कीप आवर माउथ शट एंड जस्ट ऑब्जर्व. लेट्स जस्ट ऑब्जर्व एंड गेन नॉलेज गेन मोर विजडम एंड नेक्स्ट टाइम हम और स्ट्रांग होके जो है फिर उस बैटल फील्ड में आप अपने करियर में एंटर करेंगे. सो आई मीन दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट मे नॉट बी कि भाई जहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही है बट दिस मंथ ऑफ ऑगस्ट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ वर्किंग ऑन योर एनर्जीज बिकॉज जो आपकी एनर्जी है वैसी ही चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. एंड इफ़ यू आर पेसिमिस्टिक इफ़ यू आर नेगेटिव देन यू आर गोना अट्रैक्ट ऑल द नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स. तो हम ऐसा नहीं चाहते तो अपने बिलीव सिस्टम पर आप वर्क करने वाले अगेन यू आर गोना कीप क्वाइट मोर एंड यू आर गोना लिसन मोर. You're going to keep quiet more and you're going to listen more and get more knowledge.
ये चीज़ यहाँ करियर में नज़र आ रही है। कोई बिलीफ सिस्टम को जो आपने कस के पकड़ा हुआ है उसको आप छोड़ दोगे, एक नया बिलीफ सिस्टम आप अपने लाइफ में लेकर आओगे। एंड आई ऑल्सो फील यू कैन गेट ए यू नो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन एज वेल फ्रॉम सम एस्ट्रोलॉजर और फ्रॉम मी, बट यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन डन। Not so much about tarot. Yes, it can be because we have psychic intuition, something of that sort. But still, I feel जैसे Merlin का card है, it's about the old concept. And tarot is also old, no doubt. But you know what? The Vedic concepts of predicting future are more prominent in your pile number two. तो कहीं ना कहीं कोई old way of prediction यू में यूज दैट वे, या फिर इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, इस चीज़ को लर्न करना, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो या देन आई सी द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर कार्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं इस मंथ ऑफ अगस्त में, क्योंकि एस किसी बिगिनिंग को शुरू करता है, किसी शुरुआत को शुरू करता है, शुरुआत को शो करता है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट के ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा पर्सन आना लाइफ में जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बिलीव करते हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एंड एम्परर शोस की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस चीज़ की या इस पर्सन की, आई एम देयर फॉर यू नो मैटर वॉट। तो वो एनर्जी एम्परर की यहाँ पर है, और पेंटिकल्स की भी कुछ ऐसी एनर्जी होती है। तो यस, कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, a very new person coming in your life, becoming your friend, and then you guys become something more than friend. तो वो चीज़ यहाँ पर month of August में हो सकती है। And जो भी ये person होने वाले हैं, they can be an Aries, meaning उनके case में अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये नक्षत्रास dominating हो, या आपके chart में आपका Venus या Jupiter इन नक्षत्रास में, that can even happen, या फिर this person have a strong Leo or a Sagittarius, but mainly Leo or Aries. पहला तो एरीज ही है कि देन लाइक मोस्ट ऑफ द चांसेस आर के ये पर्सन एरीज हो, या फिर लियो भी हो सकते हैं, बिकॉज लियो इज ऑल्सो अबाउट लीडरशिप। सजिटेरियस इज लाइक अ साइन विच शोज हायर विजडम, विच शोज पिलग्रमेज ट्रैवल, गुरु, टीचर, फादर, फादरली फिगर, मेंटोर अगेन। तो बट सजिटेरियस वाले पर्सन नहीं लग रहे, लियो a kingly personality, a person who want to rule, a person who is a great leader. तो उस टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। एंड अगेन द नक्षत्र लाइक मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उनके केस में भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। फिर आपका सेवेंथ लॉर्ड, या फिर आपका जुपिटर और वीनस और द डी के द धारकारक इज इन दीज साइंस और नक्षत्र। सो that can happen. And also I will say ke even if you're single, not ready to mingle, to bhi jo hai koi aapki life mein aisa person aaye, ya fir aap hi khud aise person bano jo kafi zyada leadership role le apni personal life mein, apne man ke malik bane, aur personal life mein jo hai aap apne liye growth kar rahe ho, growth in the sense ke career wise nahi as such, but apne man ko samjha rahe ho, अपने मन पर फोकस कर रहे हो कि, और अपने मन को समझाते जा रहे हो, टेम्प्टेड नहीं हो, टेम्पटेशंस में नहीं आ रहे हो। एंड आई ऑल्सो फील पाइल नंबर टू कि आप पाइल नंबर वन से भी अट्रैक्टेड हो सकते हो। सो देर आर मैनी मैसेजेस फॉर यू इन पाइल नंबर वन एज वेल। इफ यू गॉट अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर वन, इफ यू हैव टाइम डू वॉच इट अगेन। आई नो मेरी रीडिंग्स बड़ी है, बट इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव एनर्जी, सो गो चेक आउट पाइल नंबर वन एज वेल, बिकॉज उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए होंगे। सो यस, अगर आप सिंगल हो एंड यू वॉन्ट टू स्टे सिंगल फॉर अ वाइल, यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में लीडर हो, आप अपने मन के मालिक हो, आप किसी को भी जो हो एंटर नहीं करने दोगे अपनी लाइफ में, बाउंड्रीज हेल्दी बना के रखोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखोगे, हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखोगे, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है, आपके अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। दैट कैन बी सीन एंड यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, इन पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ ठीक चल रही है। बट यस, ऐसा हो सकता है आपके जो फादर है, कोई फादरली फिगर है या फिर मेंटोर है, वो आपको कहे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, तो वो आपको सलाह दे सकते हैं, करना या ना करना उसकी पावर आपके हाथ में यहां पर नजर आ रही है विद द एम्परर कार्ड। सो ये चीज है।
नेक्स्ट अब जब बात आती है हेल्थ की, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर शो हो रहा है दैट हेल्थ यहाँ पर अच्छी है, हेल्थ यहाँ पर अच्छी है. समहाउ ये चीज़ हो सकती है कि आप वॉक काफ़ी ज़्यादा करो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. हेल्थ के लिए आप वॉक वॉकिंग करो या रनिंग भी कर सकते हो, बट वॉक ही करो. यू आर वेरी मच इन ट्यून्ड विद योर बॉडी, मतलब आप अपनी बॉडी को फिट करना चाहते होगे या फिर एटलीस्ट एक ऐसी पोजिशन में लेकर आना चाहते होगे जो आपके वर्क को सपोर्ट करे. कई बार हमारी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि हम अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आप एटलीस्ट ऐसी हेल्थ बनाना चाहते हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट जहाँ पर आपकी हेल्थ जो है आपके करियर के आड़े ना आए, आपके करियर को डिस्टर्ब ना करे, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना करे. तो समहाउ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आप जैसे खाना खाने के बाद वॉक करो या अपनी बॉडी को एक्टिव रखो जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिट रह पाए या एक अच्छे पोजिशन में रह पाए. दैट किंग ऑफ कप्स इज शोइंग मी दैट यहाँ पर आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ है, साइकी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यू नो दैट लव इज कॉम्प्लिकेटेड एंड रिलेशनशिप्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, तो कहीं ना कहीं यू आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम ड्रामा. एंड आई स्ट्रांगली फील दिस कि आप लोगों से कट ऑफ हो रहे हो, आप वर्ल्ड से, दुनिया से, दुनिया की बातों से, लोगों से, लोगों की बातों से कट ऑफ हो रहे हो. आपको दूसरों की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या फिर आप अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट कि आपको दूसरे की बात का बिल्कुल फर्क ही ना पड़े. और कहीं ना कहीं जितने कम लोग उतनी कम बातें, हम कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, तो समहाउ यू आर कीपिंग योर थिंग्स टू योर सेल्फ. जो आपके मन में चल रहा है वो आप ही के मन में चल रहा है, वो आप दूसरों को नहीं बता रहे हो कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या मैं ऐसा फील कर रही हूँ. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज नॉट हैपनिंग. यू आर कीपिंग योर थिंग्स टू योर सेल्फ, जो कि एक अच्छी बात है. और मुश्किल सिचुएशन से आप खुद अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो, किसी और की हेल्प नहीं ले रहे हो. सेल्फ हेल्प मतलब खुद अपनी मदद कर रहे हो, और भगवान भी किसकी मदद करता है, जो खुद अपनी मदद करे, राइट. सो जो मैंने अभी लाइन बोली है वाली, इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी इन सम सेंस, बट या अभी के लिए ये आपके लिए मैसेज है. एंड देन विद द किंग ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पर यू आर यू नो वाइज इनफ, यू आर फीलिंग वाइज इनफ कि जहाँ पर आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो लोगों के साथ और अपनी लाइफ में ड्रामा ऐड नहीं करोगे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता था. स्ट्रेसफुल या टॉक्सिक लोगों से आप काफ़ी ज़्यादा दूर हो, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से आप इंटरनली जो हो काफ़ी हील हो रहे हो. दैट कैन बी सीन, यू आर अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, एंड यू आर हीलिंग. दैट इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर टू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. एनी लास्ट मैसेजेस? So yes, distant thunder, clear the air. Oh my goodness, I was gonna tell you कि मेरा एक जो है nose blocked. I was gonna tell you guys, file number 2 ये मैं आपको बताने वाली थी. Here we have the clean the air energy. मैं ये बात कहने वाली थी because I felt कि पता लग रहा है शायद मेरे बोलते हुए कि I have a blocked nose, and that's not because कि मैंने कुछ ऐसा खाया है. It just कि मैं AC जो है, एक्चुअली एसी भी नहीं, पंखा तेज़ करके सो गई थी. दैट्स इट. पहले एसी चल रहा था, मैंने एसी बंद कर दिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बट ह्यूमिडिटी थी. बट देन उसके बाद पंखा तेज़ था, तो उसी से मुझे जो है थोड़ी ठंड लग गई है रात को. दैट्स इट. एंड हेयर वी हैव क्लियर देयर, और मैं ये वाली बात बताने वाली थी. सो या टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डोंट स्लीप इन सो मच चिल्ड इन्वायरमेंट, नहीं तो मेरी तरफ ब्लॉक नोज हो जाएगा. And then we have embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. So, इतनी भी बुरी हालत नहीं है आपकी August में पाइल नंबर 2. बस थोड़ा जो है it just के आपकी खुद की negativity ही जो है आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है. And that's it. So as soon as you let go of this devil energy, as soon as you let go of this negative energy, you will see this positive change coming in your life. ऑल राइट. एंड जैसे क्लियर द एयर का यहाँ पर कार्ड है, जो एयर होती है उसी में हमारी साउंड वेव्स ट्रैवल करती है, राइट. तो आप अगेन यहाँ पर टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंट बना के रख रहे हो,
डिस्टेंस बना के रख रहे हो, दैट इज समथिंग विच आई सी. और जो अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं भी आती है, किसी पर्सन ने आपको कोई ऐसी चीज़ कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो यू आर लाइक यू नो व्हाट, चलो चलो हवा आने दो यहाँ से. सो इट्स लाइक दैट, हवा आने दो, चलो चलो. इट्स एक तरह, इस तरह का माइंड सेट आपका है. आप शायद ये चीज़ अपने मुंह से ना बोलो, बट इन योर हेड यू आर लाइक चलो चलो हवा आने दो. इट्स गोना बी लाइक दैट कि आप छोटी बड़ी बातों से अपने मन का, अपने आप का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं करने दोगे. यू हैव द अथॉरिटी ओवर योर सेल्फ, दैट कैन बी सीन. यू हैव द अथॉरिटी ओवर योर माइंड हेयर. आप अपने माइंड को अगर एक कमांड देते हो कि यू नो व्हाट, कि हे मन, मैंने ये चीज़ सोचनी है और वो चीज़ नहीं सोचनी, तो आपका मन आप पर अग्री करेगा, आपके मत पर अग्री करेगा और आपकी सुनेगा. व्हाट हैपन्स इज एट टाइम्स कि हम चाहते कुछ करना है, या फिर हम चाहते कुछ करना है, बट हमारा माइंड चाहता है कि हम किसी और ही रास्ते चले क्योंकि वो रास्ता अच्छा है, बट हमारा मन कहता है कि हम ये चीज़ करें. तो मन को जो है कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मन एक तरह से बेबी की तरह है. वो कुछ भी कहता है, वो कुछ भी चाहता है, पर जो बुद्धि है उसको पता है कि क्या सही और क्या गलत है. सो यहाँ पर यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर टेम्पटेशंस, यू डोंट गेट टेम्प्टेड ईजिली. एंड आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में नहीं एंटर करने देना चाहते हो, एंड दैट्स कम्प्लीटली, दैट्स एक्चुअली गुड. यू आर क्लियरिंग द एयर, you are clearing your environment, and you are keeping your environment more positive. So that is something which I see for you for the month of August. Embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. You are happy. You are simply happy. You are hopeful again, and yeah, you are फीलिंग दैट चीज़ें बेटर होगी और होपफुल दैट कैन बी सीन. तो एक नेगेटिव माइंड सेट से एक पॉजिटिव माइंड सेट में आप आते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड क्रिएटिव भी अब आप काफ़ी नज़र आओगे. स्पेसिफिकली इन द एंड ऑफ ऑगस्ट यू विल सी कि यू आर बींग वेरी वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी क्रिएटिव. एंड जो आपकी क्वालिटीज़ हैं अंदर, या फिर जो आपकी क्वालिटीज़ नहीं भी है, उन सभी चीज़ों को आप एम्ब्रेस कर रहे हो. यू आर एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. सो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस भी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है. सॉरी इफ आई एम अनोइंग यू विद माई वे ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज मेरा नोज ब्लॉक्ड है अगेन. आई रियली फील वियर्ड नाउ. सो या, apologies for that. But yeah, you're happy, specifically in the end of August. आप कोई manifestation भी शुरू कर सकते हो, a positive manifestation. Hopeful, you're being very very hopeful. And that's why आप इस devil energy से निकल रहे हैं. जैसे ये devil card यहाँ शुरू में है, end में यहाँ पर page of pentacles है. Page of pentacles जो है learning को show करता है, hope को show करता है, नई जगह पर जाना उसको भी show करता है, और फाइनेंशियली आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो भी, यू नो, स्क्रैच से शुरू कर रहे हो और धीरे धीरे अपनी वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. तो कहाँ एक पेसिमिस्टिक बिहेवियर, पेसिमिस्टिक एनर्जी से एक ऑप्टिमिस्टिक क्रिएटिव बिगिनिंग वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है इन द एंड ऑफ ऑगस्ट. सो दिस इज समथिंग विच आई सी. एंड फॉर गर्ल्स एंड फॉर गाइज एज वेल, यू कैन इवन गेट अ न्यू हेयर कट डन. मतलब न्यू हेयर कट इन द सेंस, नए स्टाइल में एक हेयर कट कराना, दैट कैन इवन हैपन. और बाइंग लेंसेस, जो कॉन्टैक्ट लेंस है हम अपनी आंखों में पहनते हैं, यू कैन इवन बाय दोज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि मुझे चेंज लेकर आना है. मेरे माइंडसेट में तो चेंज है ही है, बट मैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज लेकर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दैट कैन इवन हैपन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ऑलराइट. एंड आई ऑल्सो फील कि आप अपने घर में चेंज लेकर आओ, घर को रीडेकोरेट करो या रेनोवेशन, समथिंग उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो, दैट कैन इवन हैपन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर यू पाइल नंबर टू. ऑल राइट. सो या, दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग फॉर यू. एंड येस, दैट वॉज इट. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, हाउ इट रेजोनेट्स विद योर फ्यूचर प्लान्स, फॉर द प्लान्स ऑफ ऑगस्ट.
And do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in getting a personal reading done with me, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these are bracelets handmade by me, cleansed and energized by me. You can get these on my website as well. So yeah, again, the link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading here. Let's get started. So you chose the desert picture. Pehle to yahan par aapke liye deck shuffle hoga, cards pull out honge. If you want to be part of this process, you are more than welcome to do that. Otherwise, aap directly jaakar bhi apni reading sun sakte ho, dekh sakte ho. Timestamp jo hai niche description mein hai, wahan jaakar aap click karo, apni reading dekho, suno. And yes, tab tak hum yahan par cards pull out karte hain. Okay. हेलो पाइल नंबर 3. सो दिस इज योर रीडिंग. मैंने आपके लिए जो है यहाँ पर कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, आई मीन डेक ऑलरेडी शफल कर लिए थे और कार्ड्स पुल आउट कर लिए थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आपने पिक करा है इस डेजर्ट वाली पिक्चर को, तो आई एम गेटिंग दिस इंटुएशन फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट के देर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. देर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. और ये ट्रांसफॉर्मेशन करियर पर्सनल लाइफ में शायद ना हो, बट आपके माइंड सेट में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, दैट कैन हैपन. एक चेंज आए आपकी लाइफ में, आपके माइंड सेट में इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, दैट कैन हैपन. एंड एक नई होप है, एक होपफुल माइंड सेट है, एक ऐसा पॉजिटिव माइंड सेट है जो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है. सो दैट थिंग इज देयर. एंड कहीं ना कहीं कोई लीडरशिप रोल मिलना, that can even happen in the month of August. या फिर आप अपनी life के खुद control करो. You may feel like कि मैं अपनी ज़िंदगी का, मैं अपनी life का मालिक हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं करूँगा, या वो मैं कर रहा हूँ, या फिर वैसा चीज़ें मैं attract करूँगा या करूँगी, something of that sort. You feel that you are the leader, you are the controller of your life. You may feel this way in the month of August, and you feel कि हाँ मैं चीज़ों को control कर पा रहा हूँ, मेरी चीज़ें मेरे control में हैं. Because at times what happens is कि हमने सोचा होता है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, but in the end of the day कुछ भी नहीं हो पाता है. Whereas this month of August is going to be very productive. एक productive और एक abundant mindset के साथ आप ये month शुरू कर रहे हो, and that's why this month is also very productive for you, because आपका mindset
वैसा, मतलब आपका माइंडसेट काफी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका माइंडसेट काफी ज्यादा प्रोडक्टिव एनर्जी वाले तो आप प्रोडक्टिविटी को ही अपनी तरफ जो हो अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड यू आर बीइंग प्रोडक्टिव, दैट कैन बी सीन और दैट कैन बी फेल्ट बाय मी. और अगेन एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आप मंथ ऑफ अगस्त में रहोगे और चीज़ें जो आपको तंग करती थी, परेशान करती थी, अब आप उसमें परेशान होना भी बंद हो जाओगे. कहीं ना कहीं यू विल फील लाइक चलो छोड़ो, ये तो ऐसे, ये तो चलो छोड़ो, वट एवर, ये चीज़ नहीं हुई, ओके फाइन, ये अगर नहीं हुई तो लेट मी डू समथिंग एल्स. तो अगर कुछ चीज़ें जो आप सोचते हो कि मुझे करनी थी और वो नहीं हो पाई, तो उसकी जगह भी आप कोई अल्टरनेटिव, कोई काम वो कर लोगे, जिससे अगेन यू विल फील दैट येस आई डिड समथिंग दिस डे. तो कोई भी दिन ऐसा नहीं रहने वाला इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट जहाँ पर कोई प्रोडक्टिव काम ना हो, अनटिल एंड अनलेस अगर आपने सोचा है कि इस दिन तो मैंने रेस्ट करना ही करना है, इस दिन मैंने कुछ नहीं करना, तो हो सकता है कि आप उस दिन कुछ भी ना करो या एटलीस्ट कुछ करो जो आप प्रोडक्टिव उस चीज़ को मानो. बट एवरी डे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इज़ गोना बी क्वाइट प्रोडक्टिव, इज काइंड ऑफ प्रोडक्टिव. और क्योंकि आपका आज का दिन अच्छा प्रोडक्टिव गया, तो कल को लेकर भी आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट होगा कि कल भी मैंने जो है कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो सकती है वो चीज़. बट यू आर बीइंग बिजी, लाइफ इज बिजी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, बिजीनेस है. और मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किलें नहीं आएगी, मुश्किलें आएगी, बट अगेन यू हैव अ माइंडसेट जो उन मुश्किलों के बावजूद जो है आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. कई बार छोटी छोटी बातें हमें रोक देती है कोई काम करने से, और कई बार कोई बड़ी बात भी हमें नहीं रोक सकती वो काम कंप्लीट करने से. सो ये चीज़ें यहाँ पर आई एम फीलिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो यप, लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर. पहले तो हम ओरेकल से शुरू करेंगे. सो वी हैव सेक्शुअल विजडम. ऑल राइट, यू आर नॉट बींग टेम्प्टेड, आप टेम्पटेशंस में नहीं आ रहे हो, आप इन कंट्रोल नजर आ रहे हो. अगेन देन आई सी अर्थ मैजिक. अगेन आपकी जो ड्यूटीज है, आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, वो आप पूरी कर रहे हो यहाँ पर. अगेन यू आर बींग वेरी वेरी प्रोडक्टिव. देन वी हैव इनर स्ट्रेंथ, आपके पास वो स्ट्रेंथ है उन कामों को कंप्लीट करने की, दैट कैन बी सीन. आई रियली फील पाइल नंबर 3 या पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हो सकते हो, माउंटेन वाली पिक्चर से भी अट्रैक्ट हुए हो सकते हो. सो यू कैन, यू शुड ऑल्सो वॉच, लिसन टू पाइल नंबर 1's रीडिंग अगेन अगेन इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव एनर्जी टू वॉच इट तभी, अदरवाइज इट्स फाइन, इट्स ओके. तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डू नॉट वरी. बट येस, पाइल नंबर 1 से भी आप काफ़ी कनेक्टेड फील करोगे. तो यहाँ पर सेक्सुअल विजडम का कार्ड है. सो इट शोज की अगेन यू आर वेरी मच अलाइंड विद योर सेल्फ, विद योर बॉडी, विद योर प्लान्स, विद योर गोल्स ऑफ फ्यूचर. यू आर वेरी मच अलाइंड विद दैट. और आप टेम्पटेशंस में नहीं आ रहे हो. अगर आपने डिसाइड करा है मुझे ये चीज़ करनी है, पर मैं इस चीज़ को करने से पहले 1 घंटा सो जाता हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को करने से पहले, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है, तो फिर मैं जो हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं थोड़ा घूम फिर आता हूँ और उसके बाद करूँगा. तो वैसा नहीं होने वाला है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. यू आर गोना बी लाइक, अच्छा अगर ये चीज़ मुश्किल भी है तो भी मैं ये चीज़ करूँगा. हो सकता है उस मुश्किल चीज़ को कम्प्लीट करने से पहले आपको ईजी ईजी चीज़ें कम्प्लीट कर लो, अपने आप को यू नो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, अगर रेस में, अगर हम मैराथन में जा रहे हैं तो स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है ना पहले, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना इंपॉर्टेंट, एक तरह से वार्म अप जिसको कहते हैं. तो यू विल फील लाइक कि लेट मी जस्ट डू वार्म अप, उसके बाद मैं मुश्किल चीज़ करूँगा, पर मैं करूँगा ज़रूर. यू विल नॉट गेट इन टू टेम्पटेशंस, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. आपको कोई चीज़ टेम्प्ट नहीं कर सकती, आपको कोई चीज़ अपने गोल से नहीं भटका सकती. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जैसे इंदिरा है, राइट, इंदिरा इज नॉट अ पर्सन बाय द वे, इट्स अ पोस्ट. इंदिरा इज अ पोस्ट, इट्स नॉट अ पर्सन. तो इंदिरा की पोस्ट पर जो भी पर्सन होता है, जैसे एक साधु है, दैट साधु इज डूइंग हिज साधनाज एंड सिद्धीज एंड इज ट्राइंग टू इम्प्रेस शिवा, राइट. तो इंदिरा कम्स इन टू द व्यू और वो उस साधु के अराउंड जो है कई सारी फीमेल्स ले आएगा, कई सारे अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें ले आएगा, जिससे वो साधु टेम्प्ट हो सकते हैं, जिससे कोई भी पर्सन टेम्प्ट हो सकता है. बट दैट साधु इज स्टिल यू नो वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन हिज मेडिटेशन, इन वॉट एवर
मेडिटेशन ही इज डूइंग टू इम्प्रेस शिवा, ही इज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट. तो अब जो भी इंद्रा वो टेम्पटेशंस लेकर आया है, वो माया लेकर आया है, उससे वो साधु बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल टेम्प्ट नहीं हो रहा है, और वो शिवा को इम्प्रेस करके रहेगा ही रहेगा. तो सेम वॉज विद यू, दैट समहाउ नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, यू विल नॉट बी टेम्प्टेड. यू विल नॉट बी टेम्प्टेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. एंड द गाइडेंस इज ऑल्सो डू नॉट गेट टेम्प्टेड, क्योंकि आप अपने गोल से भटक जाओगे और फिर उसके बाद देर इज गोना बी रिग्रेट. बट आई रेडी फील इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट यू आर वेरी मच अलाइंड विद योर माइंड बॉडी सोल. आप अपने आप को टेम्प्ट नहीं होने दे रहे हो. एंड अगेन अर्थ मैजिक का कार्ड है, तो यहाँ पर यू आर लाइक सी अर्थ भूमंडला पर जो भी काम है, जो भी आपका करियर है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, या जो भी प्रेजेंट मोमेंट है, आप उसमें प्रेजेंट हो, आप उसमें अपना 100% दे रहे हो. यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट. एंड यस, कोई पर्सन आपसे उदास नहीं नज़र आ रहा, हर कोई एक्चुअली आपसे इम्प्रेस्ड है, बट आप कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप दूसरों को इम्प्रेस करो. बट पीपल आर यू नो जस्ट इम्प्रेस्ड बाय योर डिवोशन और बाय योर डिसिप्लिन टूवर्ड्स लाइफ. या इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो यू हैव द स्ट्रेंथ टू एक्चुअली यू नो फुलफिल योर ड्यूटीज. एक तरह से यू आर बींग वेरी ड्यूटिफुल टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स द प्रेजेंट मोमेंट. जो भी प्रेजेंट मोमेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है ये कोई काम करने को, तो यू आर डूइंग इट वेरी ड्यूटिफुली. तो वो चीज़ यहाँ नजर आ रही है. नेक्स्ट अप वी हैव बैलेंस, हार्मनी, इक्विलिब्रियम, सेंटर्ड, काम. ऑल राइट, देन वी हैव ऑथेंटिसिटी, इंडिविजुअल, यूनिक सेल्फ एंड लव. सो माई गुडनेस, यू आर वेरी ऑथेंटिक एज वेल इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. आई ऑल्सो फील कि अगर आपका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करोगे अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिलेगी. यहाँ पर भी जैसे हॉर्स है, यहाँ पर भी हॉर्स नज़र आ रहे हैं. अगेन यू आर रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ, वो चीज़ है. अगर इस धरती पर पैदा हुए हैं तो कुछ यू नो काम तो करना पड़ेगा, राइट? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा टू अर्न अ लाइवलीहुड, क्योंकि मनी इज इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड टू सस्टेन, टू पे आर बिल्स, टू लिव अ यू नो कम्फर्टेबल लाइफ. यू नीड मनी फॉर दैट. तो अब यू आर रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ. फाइल नंबर 3, इट कैन इवन हैपन कि यू नो आपके केस में अश्विनी या फिर सतभिषाक नक्षत्र डोमिनेटिंग हो, क्योंकि जो अश्विनी है, आई मीन अश्विनी इज अबाउट ट्विन हॉर्सेस, दो हॉर्सेस का नक्षत्र. सतभिषाक इज ऑल्सो अबाउट अ फीमेल हॉर्स. दोनों ही नक्षत्र जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज लेना, पर उनमें से 3 या 4 ही फुलफिल कर पाना, उस चीज़ को शो करता है. पर आई रियली फील बिकॉज यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, अर्थ मैजिक का कार्ड आ गया, विजडम, सेक्सुअल विजडम का कार्ड आ गया, एंड यू नो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी है, बैलेंस भी है. तो आई रियली फील कि अगर आप वो 10 अपॉर्चुनिटीज़ भी लेते हो, तो आपके पास इतना डिसिप्लिन होगा इस महीने, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, कि आप उस डिसिप्लिन की वजह से उन चीज़ों को कम्प्लीट कर पाओगे, उन चीज़ों में अपना 100% दे पाओगे, ऑथेंटिक वो चीज़ें होगी. जो भी आप काम कर रहे हो, यू आर वेरी ऑथेंटिक विद दैट. आप किसी की नकल मार के वो काम नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी ऑथेंटिक. और क्योंकि आप ऑथेंटिक हो, यूनिक हो, तो पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं. आप एक तरह से यू आर बिकमिंग अ पीपल मैग्नेट. आप अपनी तरफ अपने जैसे लोग अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो. You are meeting your tribe, you are meeting people जो आप जैसे ही हैं. मेरी suddenly ना इस clear quartz पर भी नज़र गई, this is clear quartz. तो I feel कि आप अपनी life में clarity भी लेकर आ रहे हो, और शायद दूसरों की life में भी clarity लेकर आ रहे हो. उनको भी अपने जो you know जैसे कई बार होता है ना हमारे मन में कि हम सही पाथ पर है कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, तो उस तरह के जो सवाल है आप उनके जवाब दे पा रहे हो दूसरों को, उनको रियलाइज़ करा पा रहे हो कि उनको क्या करना चाहिए या किन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. यू मे ऑल्सो डू सम काउंसलिंग वर्क, वो चीज़ भी यहाँ हो सकती है. एंड यू आर बींग क्लियर, यू आर बींग आप अपने जो इंटेंशन है दूसरों के सामने बहुत क्लियरली रख पा रहे हो, बिना किसी शर्म के, बिना किसी शाइनेस के. And that's actually good. This is professionalism. And balance card जो है वो यहाँ पर show कर रहा है. You have this balanced state of mind. You have this balance in your mind. कि it's not कि आप greedy हो money के लिए, ये चीज़ नहीं है, greed नहीं है. You're like कि देखो हम दुनिया में आए हैं तो कुछ तो जो है, sorry, हम दुनिया में आए हैं
तो कुछ तो जो है हम यहाँ पर करके जाएंगे ही जाएंगे, राइट? और किसी वजह से ही हम यहाँ पर पैदा हुए हैं. और अगेन, यू नो, जो भी हमारा काम है वो हम करेंगे. इट्स नॉट कि हम बहुत लालची हैं मनी के, या बहुत लालच है हमें लग्जरीज का, ऐसा नहीं है. यू आर लाइक, हे, आई हैव दिस बैलेंस अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. आई वॉन्ट टू अर्न, आई वॉन्ट टू गेट दैट, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली. तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. तो ग्रीड, लोग आपको जो है काफ़ी ये देखते हैं दैट यू वॉन्ट टू फॉलो अ राइटस पाथ, ये चीज़ वो देखते हैं. बट एट द सेम टाइम पीपल ऑल्सो सी कि आपके पास कितना मटीरियल अबंडेंस भी है, एंड यू आर सो डाउन टू अर्थ पर्सन, यू आर सो ग्राउंडेड. वो भी लोग ये चीज़ आपके बारे में देखते हैं, महसूस करते हैं. एंड जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा काम हो, हारमनी में हो, इन हारमनी हो, वो चीज़ नज़र आ रही है. वेरी काम एंड यू आर वेरी सेंटर्ड, मतलब एक फोकस है आपके अंदर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. एंड पीपल विल सी दिस फोकस, पीपल विल सी दिस फोकस. आप अपने जैसे यहाँ पर वी हैव सन एंड वी हैव मून, और ये जैसे लीब्रा साइन जो होता है, लीब्रा स्केल्स का सिग्निफिकेटर है. तो बैलेंस कार्ड लीब्रा को भी शो करता है. सो इट कैन इवन हैपन योर आत्माकार का, योर असेंडेंट, योर अगेन आत्माकार का इज प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. असेंडेंट सन मून राइजिंग कैन बी इन लीब्रा साइन. वैसे लीब्रा बहुत एक अनबैलेंस्ड साइन है, क्योंकि लीब्रा का सिम्बॉलिज्म स्केल है. इस वजह से एक लीब्रा पर्सन हमेशा अपनी लाइफ को बैलेंस करता रहेगा. और हमेशा एक लीब्रा पर्सन जो है, इफ देयर असेंडेंट इज इन लीब्रा, देयर आत्माकार का इज इन लीब्रा, तो हमेशा एक ये रहेगा कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ करना चाहता हूँ और मैं स्पिरिचुअल रेलम में भी कुछ करना चाहता हूँ. एक वो हमेशा बैलेंस ढूंढने की कोशिश करेगा, एक लीब्रा इंडिविजुअल. वेदर इट्स अ स्वाति नक्षत्रा पर्सन, वेदर इट्स अ विशाखा नक्षत्रा पर्सन, वेदर इट्स अ चित्रा पर्सन, ये चीज़ ज़रूर होगी. तो इन दिस कार्ड एज वेल, आई मीन फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होगे अपने वर्क में, बट एट द सेम टाइम आप एक बैलेंस ढूंढोगे लाइफ में, एक स्पिरिचुअल एज वेल एज एक यू नो मटीरियल बैलेंस ढूंढोगे, जहाँ पर आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी करो, अपनी सोल को भी फीड करो, और साथ ही साथ आप अपनी बॉडी को भी फीड करो. आप अपना फाइनेंस भी देखो, सो दैट एंड आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल बराबर वर्क कर रही है. जो आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल कहे, जो आपकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल ये कहे कि ये चीज़ सही है, वही आपकी जो है वो आपकी इंट्यूशन भी उस चीज़ को सही कहेगी. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल ऑल्सो हैपन हेयर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टैरो हेयर, कि आपका करियर, आपका आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ कैसी रहती है. सो आई सी द डेविल. ये डेविल कार्ड जो है पाइल नंबर 2 में भी आया था. सो यप, वी हैव डेविल. उसके बाद वी हैव द नाइट ऑफ वांड्स. फिर वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. देन वी हैव टेन ऑफ वांड्स. उसके बाद वी हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. एंड देन वी हैव द एट ऑफ वांड्स. ऑल राइट, ओके. सो यहाँ पर जो है, सबसे पहले करियर रिलेटेड मैसेज की अगर हम बात करें, तो आई एम गेटिंग दिस दैट यू आर इन अ नेगेटिव माइंड सेट इन टर्म्स ऑफ करियर. यू मे बी अ बिट पेसिमिस्टिक राइट नाउ, बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आप इस पेसिमिस्टिक नेचर से, या मेरे साथ तो होगा ही गलत, उस नेगेटिव माइंड सेट से जो है आप निकल जाओगे, आप निकल जाओगे. बट आई डू फील स्पेसिफिकली इन द बिगिनिंग और राइट नाउ ऑल्सो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बिगिनिंग ऑफ ऑगस्ट या अभी, यू कैन बी लाइक, ओ जो चीज़ें होती है मेरे साथ गलत ही होती है, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहा हूँ अपने करियर में, मैं अपनी फुल क्रिएटिविटी नहीं यूटिलाइज कर सकता, या मेरे अकॉर्डिंग मेरा काम नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरे करियर में नहीं हो रहा. तो यू नो दीज काइंड ऑफ थाट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन अर्ली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इन टर्म्स ऑफ करियर. यू मे फील लाइक दिस, बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इस फीलिंग को जो है ये ख़त्म कर सकती है. बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज, यू कैन से, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी इंथूजियास्टिक, वेरी करेजस. तो अगर आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, अगर
लाइक देर इज़ अ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन हमेशा हमें एक चांस देते हैं अपने आप को प्रूव करने का. तो जब हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं तो हमें ना थोड़ा ऐसे डर लगता है, या फिर ये होता है कि अरे मेरे को हारना नहीं है, मुझे तो जीतना है, मैं काफ़ी केपेबल हूँ. आपकी पूरी तैयारी भी है उस कॉम्पिटिशन के लिए, बट स्टिल आपको एक हेजिटेंसी या एक हेजिटेंट हो जाते हैं आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए. पर आपको पता है कि आप जीतोगे ज़रूर, बट यू आर लाइक अगर नहीं जीता फिर क्या होगा. सो वो, और फिर जब हम स्टेज पे चले जाते हैं और अपना परफॉर्मेंस दे देते हैं, अपना काम कर लेते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन हमने अपना परफॉर्म कर लिया, और फिर हम आके बैठ गए, वी आर लाइक यस हमने करा है, हमने अच्छा करा है, या फिर अगर हम उसके बारे में श्योर भी नहीं है पर हमने अपना एफर्ट तो करा है. एंड देन जब अनाउंस होने लगता है कि कौन फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया, तब आपको पता लगता है यू केम फर्स्ट. और अगर यही बात आपको पहले ही पता होती कि आप फर्स्ट आने वाले हो, तो कितना झट से आपने जो है, कितने कॉन्फिडेंस से आपने जो है उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था, अपना नाम देना था, राइट. बट या लाइक हेयर एज वेल इन लाइफ फॉर यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, द थिंग इज कि वो एक पेसिमिस्टिक नेचर है यहाँ पर, वो बिहेवियर, वो वैसी एनर्जी है. बट ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, करेजस भी तो है. इसी करेज की वजह से तो उस पर्सन ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा और वो जीत पाया. तो करेज होना सबसे पहली बात है. तो अगर आप फियरफुल हो किसी भी चीज के लिए तो काम नहीं चल सकता. करेज होना, हिम्मत होना, विल पावर होना, ये जरूरी है. और ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, बट आई थिंक इस रीडिंग के थ्रू ये चीजें आपको रिवाइज हो जाएगी. एंड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट जब आपको लगने लगे यू नो ये नहीं हो सकता या गलती हो जाएगा, क्या मैं अपने आप को प्रूव करने चला हूँ, या फिर प्रूव इन द सेंस कि क्या मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने चला हूँ, या छोड़ो, जब यू मे व्हेन यू स्टार्ट टू फील दिस वे, यू हैव टू रिमेंबर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस रीडिंग के यू नो व्हाट आई हैव टू पार्टिसिपेट. अपने आप को प्रूव करना लाइफ में ज़रूरी नहीं, बट अगर कोई कॉम्पिटिशन हो तो ज़रूर यू नो गो अहेड. सो एक करेज होना ज़रूरी है, और करेजस होना ज़रूरी है, विल पावर स्ट्रांग रखनी ज़रूरी है. ये आपके लिए स्ट्रांग गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. इसी से ही ये जो डेविल नेगेटिव एनर्जी, आप इसको हटा पाओगे. ऑलराइट, सो दिस इज़ द मैसेज. एंड व्हेन इट कम्स टू द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपके पर्सनल लाइफ को शो कर रहा है. सो इन पर्सनल लाइफ यू आर वेरी कट थ्रोट, यू आर वेरी रिजिड ऑन सम थिंग्स. ऑल राइट, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आप किन्हीं वैल्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो सकते हो, किन्हीं चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो सकते हो, और दूसरा पर्सन चाहता है कि आप थोड़े फ्लेक्सिबल बनो, बट एट द सेम टाइम यू फील कि नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, वो सही कभी नहीं हो सकती. 2+2 इज़ ऑलवेज 4, इट कैन नेवर बी 3, 5, 10, 6. तो आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है. हैव अ बैकबोन, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि यू नो लाइक पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होना और उसकी वजह से स्ट्रेस में आना, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होने लग जाना. सो व्हेन यू नो कि ऐसी चीज़ होने वाली है तो इस चीज़ को अवॉइड करना. जब भी आपको लगे कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उन प्रॉब्लम्स को जो है अपनी डीप साइकी में, अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में नहीं लेकर आना. सॉरी, मेरा हाथ लग गया था मेरे माइक पर, आई होप डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना आई हो. सो या अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ नहीं लेकर जानी, इसकी यहाँ पर गाइडेंस है. एंड यस, अगर आप सिंगल हो, यू आर रेडी टू मिंगल, तो यहाँ पर जो है अगस्त के मंथ में इतना कोई पार्टनर या एक पर्सन आना लाइफ में वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है. इफ़ यू आर सिंगल एंड नॉट रेडी टू मिंगल, तो आप पर्सनल लाइफ में जो हो, आई विल से यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर फैमिली मेम्बर्स. जैसे यार 10 वॉन्ड्स है, इस पर्सन के हाथ में 10 वॉन्ड्स है, तो यू आर वेरी मच फोकस्ड, और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली में इन्वॉल्व काफ़ी नज़र आ रहे हो. एंड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट वी हैव रक्षाबंधन हैपनिंग, राइट. सो अगेन फैमिली में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है. सो दैट इज समथिंग विच आई सी. ऑल राइट, एंड यू आर ऑल्सो बींग ए लीडर इन फैमिली. में भी आप अपने कजन्स में यू आर बिकमिंग अ लीडर, यू आर टेलिंग दम कि हम ये करेंगे या ऐसा प्लान है ऐसा करेंगे. सो यू बिकम दैट, यू बिकम द होस्ट. तो
पार्टी का होस्ट बनना, दैट कैन इवन हैपन. ऑल राइट, सो या दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. वेन इट कम्स टू योर हेल्थ, वेन इट कम्स टू योर फिजिकल मेंटल हेल्थ, आई सी के एट ऑफ वॉन्ट्स मुझे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है. जैसे ही मैंने ये देखा कार्ड, तो आई जस्ट फेल्ट कि मन में बहुत थॉट्स चल रहे हैं. मन एक तरह से जैसे हॉर्सेज है, हॉर्सेज रन रेडी फास्ट, सो रेडी फील कि आपका मन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और थॉट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं. और जो भी थॉट्स हैं वो प्रैक्टिकल इन नेचर, दे आर वेरी, द थॉट्स यू आर गेटिंग दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर, एंड यू वॉन्ट कि आप उन थॉट्स जो आपके अंदर आइडियाज़ हैं, वो प्रैक्टिकल आइडियाज़ आप उन्हें अपनी रियलिटी में बदलो. वो आपका मन है. और अगर आप ऐसे बैठे भी हो आराम से, तब भी आपके अंदर कुछ यू नो प्रैक्टिकल थॉट्स आ रहे हैं कि यू नो लेट्स डू दिस और लेट्स डू दैट, वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट. तो एक माइंड जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इवन वेन यू आर रेस्टिंग. तो वर्क के टाइम पर अगर माइंड चले, वर्क के टाइम पर एक्चुअली माइंड चलना चाहिए, और जब रेस्ट का टाइम है तो मन को रेस्ट करना चाहिए बॉडी के साथ. तो इट कैन हैपन कि आप रेस्टलेस महसूस करो, आप काफ़ी मे बी पैल्पिटेशंस और रेस्टलेस, हाई ब्लड प्रेशर और इवन लो ब्लड प्रेशर एट टाइम्स, बट मेनली हाई ब्लड प्रेशर कैन एक्चुअली हैपन बिकॉज दिस इज़ अ थिंग विच आई हैव नोटिस्ड अ लॉट विद माई सेल्फ एंड विद अदर पीपल एज वेल. क्योंकि देखो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, राइट? आई ऑल्सो गो थ्रू हेल्थ इश्यूज इन माई लाइफ, प्लस आई हैव रोगी योगा इन माई चार्ट, द योगा ऑफ डिजीजेस. सो येस, आई डील विद हेल्थ इश्यूज इन माई लाइफ फॉर श्योर, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अवॉइड ही करूँ. और ज़्यादातर हेल्थ इश्यूज माइंड से शुरू होते हैं, तो आई कीप माई सेल्फ एक्टिव इन अ सेंस के मतलब हेल्थ जो है, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, आई मेक माई सेल्फ इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स सो दैट मुझे हेल्थ इशूज ना हो, सो दैट मैं ओवर थिंक ना करूँ. तो आई डू दिस फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई ऑल्सो नो कि क्या मेरे कंजंक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. अगेन एस्ट्रोलॉजी जो है, सेल्फ हेल्प भी बहुत अच्छी है. इफ़ यू नो एस्ट्रोलॉजी, यू विल नो योर सेल्फ बेटर, यू विल नो योर डेस्टिनी बेटर. सो इन चीज़ों का भी जो है ज्ञान होना ज़रूरी है, बट इट्स ओके इफ यू डोंट हैव दैट. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से हेयर विद द एट ऑफ वॉन्ट्स कि हेल्थ इश्यूज हर किसी की लाइफ में आते हैं, एंड इट्स फाइन, इट्स फाइन, पर उससे निकलना ज़रूरी है. एंड स्पेसिफिकली हेल्थ इश्यूज थॉट्स की वजह से है. मतलब आपका माइंड इतना चल रहा है, इतनी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो इन द मंथ ऑफ अगस्त, पर बहुत माइंड तेज़ी से चल रहा है, इस वजह से रेस्ट के टाइम पर भी आप रेस्ट नहीं कर पाते हो. और जब हम बहुत काम करते हैं, जब हम बहुत सोचते हैं, जब हम माइंड से बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमारी जो वेन्स है वो ऐसे सिकुड़ जाती है, ऐसे सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है. ऐसे ब्लड ऐसे फ्लो होते हैं बहुत तेज़ी से, क्विकली फ्लो होता है, और हमारी नर्व्स, उन नर्व्स ऐसे स्क्वीज हो जाती है. हम कहते भी हैं कि हमारी तो नसें खिंच गई दिमाग की, सिर की, और वो हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट करती है. सो अगेन, यहाँ पर जो है हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होना नज़र आ रहा है. आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दिस इन्फो फॉर यू. सो या लाइक डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. जब आपको लगे कि आपका माइंड बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, मेडिटेट. और अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज इट हैपन्स, ये होती है चीज़ कि माइंड बहुत क्विकली वर्क कर रहा है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, तो उस पर्टिकुलर समय पर जो है नेचर के अराउंड रहना बहुत अच्छी रेमेडी है. नेचर के अराउंड रहना, पार्क में जाना, या अगर आपका टेरेस है, टेरेस पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ जाना. एंड आई विल से कि यू कैन एक्सरसाइज एट दैट टाइम. रनिंग, बिकॉज रनिंग जो अगेन हॉर्सेज, रनिंग बिकम्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. हर रोज़ रनिंग करना, या फिर जब भी यू नो शाम को आपको समय मिलता है, जब भी समय मिलता है तो एक्सरसाइज करना, कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज करना, रनिंग करना एंड साइकिलिंग करना, जिससे आपकी हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट इंक्रीज हो, वो एक्सरसाइजेस करना. और जब आपकी बॉडी थकेगी, माइंड जो है या फिर मन जो है वो भी काम डाउन होने लग जाएगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं एग्जर्ट करनी करनी है. जब वो एनर्जी एग्जर्ट होगी, शरीर थक जाएगा, माइंड भी कहेगा तो चलो अब सो जाते हैं, बिकॉज अदरवाइज स्लीप विल बी डिस्टर्ब्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट.
यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ. नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये जो भी प्रॉब्लम है आप इससे निकल आओगे. जो भी हेल्थ इशू, जो भी मेंटल हेल्थ इशू, जो भी फिजिकल हेल्थ इशू है, उससे आप निकल आओगे, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा. बट इसके लिए आपको एफर्ट जरूर करने पड़ेंगे. ऑल राइट, सो दिस इज समथिंग विच आई एम गेटिंग. एनी लास्ट मैसेजेस हेयर? सो वी हैव फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू ऑफ कोर्स, एंड देन वी हैव ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल. यू कैन ओवरकम एनीथिंग, राइट? यू कैन ओवरकम एनीथिंग, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल इन योर लाइफ. यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव हेयर, और गाइडेंस भी यहाँ पर है, पॉजिटिव रहना जरूर है. और साथ में आप ओवरकम कर लोगे आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यू विल ओवरकम दोज थिंग्स. ऑल राइट, आपकी विल पावर यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. इस वजह से आप जो ओवरकम कर लोगे, यानी उन चीज़ों से निकल जाओगे, बाहर जीत के निकल जाओगे. फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू. इट कैन इवन हैपन कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं. एट द सेम टाइम सपोर्ट आपको काफ़ी मिलेगा. मैंने पहले भी ये चीज़ कही है कि आपको अपनी ट्राइब मिल सकती है. आप अपनी तरफ लोग अट्रैक्ट करोगे, और बिकमिंग अ पीपल मैग्नेट, आप अपनी तरफ अपने जैसे लोग अट्रैक्ट करोगे, और आपको उनसे सपोर्ट महसूस होगा. आप उनको सपोर्ट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे. तो सपोर्ट इज़ एक्चुअली ऑल अराउंड यू. इफ़ यू फील कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग यू. देर एनर्जीज हु आर विच आर एक्चुअली सपोर्टिंग यू. शायद वो एनर्जीज आपको नेकेड आई से दिखे ना, बट देर आर एनर्जीज अराउंड यू, योर गार्डियन एंजल्स, अदर एंजल्स हु आर सपोर्टिंग यू इन द जर्नी ऑफ योर लाइफ. यू आर द ट्रैवलर. आप एक जर्नी पर हो, लाइफ की जर्नी पर हो, यू विल फाइंड सपोर्ट ऑल अराउंड यू, ऑल अराउंड यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट स्पेसिफिकली. एंड थ्रू दैट सपोर्ट ऑल्सो आप चीज़ों से ओवरकम कर लोगे, ऑब्स्टिकल, एनिमीज, हेल्थ इशूज, डिजीजेज, कॉम्पिटिशन्स, इन सभी को आप ओवरकम कर लोगे, जीत के निकलोगे. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच विल हैपन. ऑलवेज रिमेंबर, द बर्डी ऑफ होप इज जस्ट अराउंड यू. एंड एक और बात है, एक और चीज़ है, आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू. जब मुझे लास्ट टाइम हेल्थ इशू हुआ था, तो आई वॉज इन सो मच यूरो पेन एंड दिस नेगेटिव माइंड सेट कि ऐसा क्यों मेरे साथ है, ऐसा क्यों है. ऑल दो आई नो कि यस, आई हैव प्लांटरी प्लेसमेंट्स लाइक दैट, और इस समय को मुझे बस निकालना है. बट मन में क्वेश्चन ज़रूर आता है, सवाल ज़रूर आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है. हर कोई इतना फिट है, मैं अनफिट क्यों, वो भी इतने एफर्ट्स करने के बावजूद. ऐसा क्यों है, वाई दिस इज़ लाइक दिस. और एक समय पर आके बिल्कुल हेल्पलेस के, यू नो, मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी. तो एक ऐसे मन से आवाज़ निकलती है उस टाइम पर, जब बेबस हो जाता है, जब दवाइयाँ भी काम नहीं करती, जब कोई चीज़ काम नहीं करती, उस समय सिर्फ हम समय को काट सकते हैं. बट एट द सेम टाइम जब हम मदद मांगते हैं, तो हमें मदद मिलती ज़रूर है डिवाइन से, ये भी चीज़ है. एंड यू नो वट, जब मैंने ऐसा कहा मुझे मदद चाहिए, सहायता, आई वॉच दिस मूवी पिलग्रिम्स ट्रैवल. वो हिंदी, तमिल, इंग्लिश, ये मूवी हर लैंग्वेज में, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में अवेलेबल है. तो उसके अंदर जो क्रिश्चियन होते हैं, वो उसमें सहायता मांगते, तो उसे सहायता मिलती है. वो कहते हैं सहायता, वैसे सहायता सहायता चिल्लाता है, पुकारता है, और उसे सहायता मिलती भी है. और उसमें भी ये स्टोरी में, उस मूवी में ये चीज़ थी कि जब आप सहायता मांगते हो तो सहायता मिलती है, पर आपको सहायता लेने के लिए पहले सहायता मांगनी पड़ेगी. सो यू नो आई डिड दैट एट दैट पॉइंट. एंड यू नो वॉट, सडनली जब आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, ऑल दीज हेल्थ इशूज, तो सडनली आई फेल्ट दिस रिलीफ. अब वो दवाई ने एक असर कर दिया या कुछ भी हो, बट आई विल स्टिल से कि जब मैंने वो सहायता मांगी तो वो मुझे मिली. तो सेम गोज विद यू, नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे वो करियर है, अगर आप सहायता मांगते हो एक हायर पावर से, जब आप सहायता मांगते हो तो आपको सहायता मिलती ज़रूर है. इंसानों से उम्मीद करना, यानी कि दीवार में सर मारने बराबर है. जब हम एक हायर पावर, एक डिवाइन पावर से सहायता मांगते हैं, तब सहायता मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर प्लानेटरी पोजिशंस यू हैव, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. उस टाइम पर मेडिटेशन कुछ लगता ही नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सहायता आपको चाहिए, जब हेल्प चाहिए, तो हेल्प मिलेगी ज़रूर,
इंसानों से हेल्प मांगोगे वो नहीं मिलेगी, पर अगर एक हायर पावर से, डिवाइन से मदद मांगोगे तो सहायता मदद ज़रूर मिलेगी. सो जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड ओवरऑल लाइफ में भी. ऑल राइट, सो या दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग. डू लेट मी नो how this reading resonates with you and resonates with your future in the sense ki jo aapne plan kari hai cheeze etc for the month of August, so how this reading resonates with that. And yeah, do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in getting a personal reading done with me, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book those, book yourself a reading from my website. Again, the link to my website is in the description box below. And if you're interested in buying these bracelets, so these bracelets are also very much available on my website. Again, link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.